हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए मैथ का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी मैथ का सवाल पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन मैं बारी बारी से सभी के लिए अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में हम लाए हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो। इससे पहले अगर पहला वीडियो आप सभी नहीं देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके 1 से 19 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा तो आपको काफी ही ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख पा रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब बराबर होंगे, जब थीटा का मान हम कितने डिग्री रखेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन मिला है 45 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी को देखिए तो दिया गया है 90 डिग्री, उसके बाद में ऑप्शन डी में दिया गया है 60 डिग्री। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी देख सकते हैं कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर भिन्न भिन्न पर प्रतिच्छेद करती है। अब डाउटनट पे आपको मिलेगा क्लास 6 से लेकर IIT जेई तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब। डाउटनट एप्लीकेशन से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वह रेखा क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन मिला है जीवा, बी में दिया गया है स्पर्श रेखा, उसके बाद में आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं ए और बी दोनों, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वह जीवा हो जाएगा, यानी ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर क्या करती है दोस्तों, प्रतिच्छेद करती है, वो जीवा कहलाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिंदु ए में दिया गया है 2, -4, बी में 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। आप सभी को तो मालूम होगा कि रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का नियामक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है वह होता है x1 + x2/2 और वाई बराबर होते हैं y1 + y2/2। तो x1 की मान की हम बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया, तो हम 2 लिखेंगे, फिर है प्लस, उसके बाद में x2 का मान यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4 दिया गया है, 2 है तो हम 2 कर देंगे। उसके बाद में आपसे बता दें 4 2 कितने होते हैं दोस्तों, तो 6 होते हैं, और 6/2 कटा भी देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार से हम y वाला भी निकाल लेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है y1 + y2/2। तो y1 का मान यहाँ पे -4 है तो हम -4 लिखेंगे, फिर होते हैं प्लस y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे -2 है तो प्लस और माइनस हो जाएगा -2/2 कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो 2 हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि -4 और -2 मिलकर -6 हो जाएंगे, और -6 को 2 से आप कटा भी दीजिएगा तो -3 आएंगे। तो पहला कैंसर हमारा आया था 3, आइए आ गया है -3। तो 3, -3 किस में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी में मौजूद है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दिया गया है 5 cos θ = 3। देखिए, जैसे ही दिया गया 5 cos θ तो आपको क्या करना है कि लिखना है केवल cos θ = कितना दिया गया है, 3 दिया गया है ना, और 5 जो है गुना में है तो बराबर किधर कितना में आएंगे, भागा में आ जाएंगे, तो cos θ = 3/5 हो गए हैं। तो अब बोला गया है कि tan θ का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए तो यहाँ पे cos में क्या होता है कि b/h होता है, इसमें p नहीं है, तो सबसे पहले आपको p निकालना होगा, और p ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है h² - b², कहने का मतलब h का मान है उसको स्क्वायर कर देना है। तो h का मान कितना है दोस्तों, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 25 हो जाएंगे, फिर -3 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 16 में से 9 को घटा भी लीजिएगा तो 16 बचेंगे, और 16 के वर्गमूल कितना होते हैं, तो कितना होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपका p का मान आ गया है। उसके बाद में कह रहा है कि 3 tan θ का मान याद करने के, तो क्या करना होगा, 3 और tan θ का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का मान कितना आया है, 4 आया है, तो हम लिखेंगे 3 × 4, यानी 3 × tan θ है ना, तो हम लिखेंगे 3 × 4। उसके बाद में b का मान दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कितना है, 3 है, तो आपको क्या करना होगा कि 3 से 3 कटा देना होगा, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी में मौजूद है 4, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे हैं कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होंगे। दोस्तों, ये आपका त्रिकोणमिति का कोटिपुरा का एक फॉर्मूला पूछा गया है कि कॉस थीटा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं। आप सभी को बता दें कि कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं और साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो कॉस ए हो जाएंगे। सॉरी, कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो साइन ए हो जाएंगे। अगर कॉस पूछेगा तो साइन और साइन पूछेगा तो कॉस हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देख पा रहे हैं कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यदृच्छा निकाली जाती है, तो इसे इक्का होने की संभावना क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दिया गया है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों, कुल संख्या ताश के पत्ती में कितना होता है, तो 52 होता है, आप सभी को मालूम होगा। उसके बाद में बोला गया है कि एक पत्ती यदृच्छा निकाली जाती है, तो इसे इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल जो 52 पत्ती होती है ताश के गड्डी में से, उसमें इक्का की जो संख्या होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो आप सभी को तो भी मालूम होगा कि इक्का की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रायिकता के फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम क्या कितना है, 4 है, और कुल कितना दोस्तों, तो 52 है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि क्या करना है कि 4 के पढ़ा 13 पढ़ते हैं ना, 13 जगह कितना होते हैं, 52 होते हैं, तो 1/13 मरते हुए कट जाएंगे, तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 1/13 आएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 1/13 है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी को देखें तो 1/13 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी यहां पे देख पा रहे हैं कि बिंदु -5.7 और -1.3 के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों, यहां पे दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा गया है, दूरी पूछा गया है, तो आप सभी को मालूम होगा कि दूरी का एक फॉर्मूला होता है √(x2 − x1) का होल स्क्वायर। दोस्तों, x2 का मान कितना है, कितना है दोस्तों, तो -1 है, फिर होते हैं -x1 का मान, तो x1 का मान यहाँ पे देखेंगे तो -5 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे +5 हो जाएंगे, इसका कर देना है स्क्वायर। फिर फॉर्मूला में होते हैं y2 का मान, y2 का मान दोस्तों यहाँ पे 3 है, फिर -y1 का मान, y1 का मान यहाँ पे कितना है, तो 7 है, इसको कर देना होगा स्क्वायर। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि -1 यानी -1 का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है ना, और +5 यानी 5 रुपया उसे कहीं से प्राप्त होता है, तो कर्जदार को 1 रुपया दे भी देगा तो उसके पास 4 रुपया बचेंगे, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएंगे, 4 जगह 16 हो जाएंगे, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। अगर 3 रुपया में से हम 7 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेंगे, -4 रुपया बचेंगे, और -4 के स्क्वायर कितने होते हैं, तो 4 जगह 16 होते हैं। उसके बाद में 16 और 16 को ऐड कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली 32 को गुणनखंड कर देना है, तो 32 गुणनखंड किस तरह कीजिएगा, तो कीजिएगा 4 जगह 16 और 16 दूनी 32। आपसे बता दें कि रूट में हम संख्या का जोड़ा निकाल के बाहर निकाल देते हैं, तो 2 4 का 1 4 हो जाएगा, और रूट में अकेले कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 4√2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में मौजूद है। चलिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 4√2 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप 27 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5.15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 5, 15 और 20 का लघुत्तम निकाल लेना होगा, यानी लसा निकाल लेना होगा। उसके बाद में आप इसका महत्तम निकाल दीजिएगा और लसा बटा मसा इसमें अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन मौजूद है, इसका क्या सही जवाब होगा, अगर आप लसा मसा का अनुपात ज्ञात करेंगे तो आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप जल्दी से इसका जवाब बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका सही जवाब क्या आया है। उसके बाद में चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दिया जा चुका है, समांतर श्रेणी 54.51.48.45 .. का 10वां पद ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ए का मान हम लिखते हैं, ए को कहते हैं प्रथम पद, जो कि 54 दिया गया है, तो आपको भी लिखना है कितना, 54। उसके बाद में हम निकालते हैं डी का मान, डी का फॉर्मूला दोस्तों होता है a2 - a1, मतलब देखिए a2 का मान 51 है और 51 में से 54 आप घटा भी लीजिएगा तो कितना आएंगे, -3 आएंगे। उसके बाद में आपको ज्ञात करना है 10वां पद, तो उसका शॉर्टकट फार्मूला अपनाएंगे, ए प्लस जितना भी पद ज्ञात करने के लिए बोला गया हो उसमें से आपको ए कम कर देना है, तो 10 में से ए कम कीजिएगा तो 9 बचेगा, इसमें आपको डी लगा देना है। उसके बाद में आपसे बता दें कि यहाँ पे ए का मान 54 है, तो आपको 54 को 54 लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखिएगा, फिर 9 गुने
और डी का मान दोस्तों कितना है, तो माइनस तीन है, तो माइनस तीन लिख देना होगा। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि 54 को 54 लिखना है, 9 के पढ़ा माइनस तीन बार पढ़िएगा ना, तो 9 तिरका कितना हो जाएंगे, 27 जाएंगे, जो कि माइनस में हो जाएंगे। तो सब क्या करना है आपको कि 54 में से 27 को घटा लेना है, 254 में से 27 घटा लीजिएगा तो कितना बचेंगे, 27 ही बच जाएंगे। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 27 हमारा आंसर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए में मौजूद है 27, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी देख सकते हैं, बिंदु 2√3 − √2 किस पाद में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको मैट्रिक एग्जाम में तो गारंटी है कि एक मार्क्स में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2√3 दिया गया है वो प्लस में है और एक है √2 जो कि माइनस में है। तो हम आप सभी को हर वीडियो में बताते हैं कि अगर दोनों में प्लस लगा हो तो ये पहला पाद में होता है, यानी प्रथम पाद पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो ये आपका द्वितीय पाद होता है, दोनों में माइनस लगा हो तो तृतीय पाद, और पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो तो ये आपका चौथे पाद यानी चतुर्थ पाद में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले प्लस यानी 2√3 है जो प्लस में है और √2 है जो कि माइनस में है। तो पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो ये आपका चतुर्थ पाद में होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर चतुर्थ पाद हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन डी में मौजूद है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। आपके मैट्रिक एग्जाम में ये आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो आपको जितना जितना सेमी दिया गया घन की बात, तो आप दोनों को आयतन ज्ञात कर लीजिएगा। दोस्तों 6 सेमी का आयतन ज्ञात कीजिएगा, तो आप सभी को तो मालूम होगा कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों भुजा का क्यू। तो क्या करना होगा कि पहला भुजा का मान 6 है, तो 6 को क्या करना है दोस्तों, क्यू कर देना है, और नीचे दिया गया 2 सेमी के भुजा वाले कितना घन बनाए जाएंगे, तो 2 को भी क्या करना है, क्यू कर देना है। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि 6 का जब हम घन ज्ञात करेंगे तो 6 × 36 कितना होता है, 216 होता है, और 2 का जब आप घन ज्ञात कीजिएगा तो 2 × 4 और 4 × 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपसे बता दें कि 216 में 8 से भाग लगा देना है, तो 216 में 8 से भाग लगा दीजिएगा तो 27 × 8 = 216 होते हैं। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी में मौजूद है 27, जो क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो किसी भी घटना ई के लिए जो सही है वो P × E बड़ा छोटा है 0 से। देखिए ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। क्योंकि आप सभी को तो मालूम होगा कि प्रायिकता 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है, इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो 0 से छोटा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि cos 1° cos 2° cos 3° cos 90° = क्या होगा। आपके मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0° हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना होगा कि इसको बनाते कैसे हैं कि 0 आएगा। देखिए cos 1° cos 2° cos 3° इसी तरह डॉट दिया गया, इसका मतलब कि ये बहुत सारा ऐसा गया है जिसका अंत ही नहीं है। तो आपको जो लास्ट में जो संख्या दिखाई दे रहा cos 90 का, इसका मान लिखना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, इसीलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 0 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, tan θ = 3/4 हो तो sin θ का मान ज्ञात करें। दोस्तों tan θ में होते हैं P/B और इसका जो मान दिया गया वो 3/4 दिया गया, यानी पी का मान 3 है, बी का मान 4 है, हमें ज्ञात करना है sin θ का मान। तो sin θ का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए दोस्तों, एच चाहिए। तो सबसे पहले हम एच ज्ञात करेंगे, एच ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3P² + B². तो पी का मान 3 है तो 3 के² कर देंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद में है बी का मान 4, तो 4 को भी स्क्वायर कर देंगे, 4 × 16 हो जाएंगे। उसके बाद में आपसे बता दें कि 16 × 9 दोस्तों होते हैं 25 और 25 का वर्गमूल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो हमारा यहाँ पे एच का भी मान प्राप्त हो गया है, तो अब हमें निकालना है sin θ का मान। दोस्तों आपसे बता दें कि sin θ का फॉर्मूला कितने होते हैं, आप सभी को भी याद हो गया होगा कि P/H होते हैं। तो P का मान क्वेश्चन में कितना था, यहाँ पे 3 था, तो हम लिखेंगे 3
और एच हम लोग अभी ही निकाले हैं 5। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो आने वाला है वो 3/5 होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन में देख लेते हैं। है दोस्तों 3/5 आपका ऑप्शन डी में मौजूद है जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिसके कारण मैं क्वेश्चन नंबर 33 तक ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर पूरे 60 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन आप सभी के लिए लाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसमें जितने भी क्वेश्चन का सलूशन बताया गया है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं अभी तक मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों मैं मोहित मंसारी जल्द मिलूंगा नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।